फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस ट्यूटोरियल से डिजाइन स्टार्ट कर रहा हूँ और आज का टॉपिक हमने रखा है गूगल डिस्प्ले एड्स को। गूगल डिस्प्ले एड्स क्या है और डिजाइन से इसका क्या मतलब है, इन चीजों को आज हम लोग डिटेल से देखते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं या आप पहले से ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। आप लोगों को शायद कुछ नॉलेज भी होगा इसके बारे में, लेकिन अगर कुछ नॉलेज नहीं भी है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा। और डिज़ाइन का ये फर्स्ट क्लास है फ्रेंड्स। अभी तक हमने जो भी थोड़े बहुत बैनर या कुछ डिज़ाइन अपलोड किए हैं इस चैनल पर, वो सभी बस नॉर्मली हमने डिज़ाइन किया और अपलोड किया टूल्स बताने के लिए। लेकिन अब हमारा ऑलमोस्ट सभी टूल्स कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए आज के इस वीडियो से हमने स्टार्ट कर दिया है डिज़ाइन, और वो भी गूगल के रूल से। गूगल का क्या रूल एंड रेगुलेशन है डिज़ाइन के बारे में, उन चीज़ों को फॉलो करते हुए हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो पहला टॉपिक है गूगल डिस्प्ले एड्स, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कुछ भी जब आप करते हैं अपनी कंपनी का, तो वो किसी न किसी वेबसाइट पर करते हैं, किसी वीडियो के अंदर करते हैं। तो जब आप किसी वेबसाइट पर एज ए कंटेंट या वीडियो के ऊपर आप अपने डिस्प्ले एड्स को दिखाते हैं, एक एडवर्टीजमेंट को दिखाते हैं, एक छोटे से बैनर को दिखाते हैं, उन्हीं बैनर्स को कहते हैं गूगल डिस्प्ले एड्स। तो गूगल ने अपने डिस्प्ले एड्स के लिए कुछ साइज फिक्स कर दी हैं और उन्हीं साइज को वो फॉलो करती है। अगर आप उस साइज पर अपने बैनर को डिजाइन नहीं करेंगे तो गूगल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखें आप। तो ये तो साइज है स्क्वायर में, आप जो देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, ये गूगल के डिस्प्ले एड्स के साइज हैं फाइल के, यानी लेंथ और विड्थ के हिसाब से। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, नीचे हमने लिखा है फाइल साइज, यानी कि गूगल डिस्प्ले एड्स में जो आप डिजाइन करेंगे, जो भी बैनर बनाएंगे, उसकी फाइल साइज 150 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस रूल को भी आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप 150 KB से ज्यादा की फाइल बनाएंगे तो गूगल डिस्प्ले एड्स पर वो रन नहीं हो पाएगा और आप जो एडवर्ट पे पैसे लगाएंगे बेकार खर्च होंगे, उसका कोई भी यूज नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि गूगल एडवर्ट पे जितनी भी कंपनियां पैसे लगाती है उसमें 75% या 78% पैसे बेकार चली जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस में आप रूल को फॉलो नहीं करते हैं या बहुत सारे ऐसे कंडीशन में आपका डिज़ाइन फॉलो नहीं कर पाता है रूल को, इस वजह से वो फेल हो जाता है और एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, लेकिन पैसे आपके खर्च हो जाते हैं। अब बात करते हैं आगे कि ये गूगल डिस्प्ले एड्स कहाँ पर शो करता है और इसकी डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए। तो चलिए वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ आप सभी को और वहां पर दिखाता हूँ लाइव कि किस तरह से एडवर्टीजमेंट दिखते हैं। यहाँ गूगल पे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप लोगों ने फ्री पिक का नाम सुना होगा, यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन आप लोग डाउनलोड करते हैं, यहाँ से इसका हिंट्स लेते हैं और डिज़ाइन करते हैं। जैसे आप फ्री पिक पर आते हैं, यहाँ पर मैं फ्री पिक पे हूँ, यहाँ पर सपोज ये बैनर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो आप जब इस बैनर को डाउनलोड कर रहे हैं तो राइट साइड में ये एक एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, ये गोडैडी का एडवर्टीजमेंट है। इसी को कहते हैं ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, जो अभी हमने साइज बताया उसी में से एक साइज है। तो इसमें कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को यूज़ किया जाए, इमेजेस कम साइज के या छोटे साइज के इमेजेस को यूज किया जाए। अगर आप बहुत हेवी साइज के इमेजेस इसमें यूज कर लेंगे तो वो फाइल साइज काफी बड़ी हो जाएगी। दूसरी चीज क्या फॉलो करनी पड़ती है कि आप जो कंटेंट इसमें यूज करें वो इफेक्टिव कंटेंट होना चाहिए, यानी कि यूजर के आई कैचिंग होनी चाहिए, एक बार में उसे आसानी से पढ़ा जा सके। अगर उस कंटेंट को एक बार में नहीं पढ़ सकते, अच्छे से नहीं देख सकते, तो वो एडवर्टीजमेंट फेल हो जाता है। जैसे आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं तो एक सिंगल कलर में ये ब्लू दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर। और गेट गोइंग जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप गोडैडी की वेबसाइट पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर ये अपना प्रमोशन कर रहा है। आप जब नीचे आएंगे तो कुछ और भी एडवर्टीजमेंट मिलेगा आपको, देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा नीचे। यहाँ पर देखिए शटर स्टॉक एडवर्टीजमेंट मिल रहा है हमें और यहाँ पर फिर से गोडैडी का मिल रहा है। तो ये तो फ्री पिक के बात हो गई। अब चलते हैं किसी दूसरे वेबसाइट पर, वहां पर आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा होता है। अब देखिए सोशल ब्लेड पर हम लोग आ गए हैं। ये सोशल ब्लेड में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे ये आप एक एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर GIF भी यूज़ किया जाता है, ये भी ध्यान रखें। जो फोटोशॉप में हम लोग GIF बनाते हैं वो भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये कंटेंट इसका चेंज हो रहा है यहाँ पर,
क्योंकि GIF है तो ये कंटेंट चेंज हो रहा है। अब नीचे जब आएंगे तो आपको और भी एडवर्टीजमेंट मिलेंगे, ये सब सभी एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पर भी देखिए आपको एडवर्टीजमेंट मिल रहा है। अब दूसरे वेबसाइट पर चलते हैं, यहाँ पर कुछ और चीज़ों को दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग आ गए NDTV की साइट पर और यहाँ पर देखिए राइट साइड में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आपको मिल रहे होंगे। ये देखिए एडवर्टीजमेंट है और यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं, ये भी एक एडवर्टीजमेंट है। ये गूगल माई बिजनेस, गूगल खुद अपना यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो ये नहीं समझे कि गूगल अपना खुद का एडवर्टीजमेंट नहीं करता है। गूगल बड़ी कंपनी है लेकिन अपना एडवर्टीजमेंट हमेशा करते रहती है। ये आप छोटे से बैनर को देख रहे हैं, ये भी एक एडवर्टीजमेंट है। आप नीचे आएंगे तो इस तरह के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आपको मिलेंगे। तो ये सब सभी क्या कहलाते हैं, गूगल डिस्प्ले एड्स। अब मैं लेकर चलता हूं हिंदुस्तान टाइम्स के वेबसाइट पर। यहां पर आते के साथ आपको ऊपर में एडवर्टीजमेंट मिल रहा है। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि इमेजेस को काफी कम यूज किया गया है या छोटे छोटे फाइल साइज इमेजेस यूज किए गए हैं और इसमें कंटेंट ज्यादा यूज किया गया। लेकिन ये जो इतने सारे कंटेंट्स यूज किए गए हैं, इतने सारे कंटेंट्स को कोई भी यूजर नहीं पढ़ पाएगा, वो भी इतने छोटे छोटे कंटेंट्स को। तो इस तरह का एडवर्टीजमेंट अगर आप बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये एडवर्टीजमेंट किसी ने यहाँ पे अपलोड कर दिया तो ये काफ़ी अच्छा ही हो सकता है। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या आप एक यूज़र हैं तो पूरे कंटेंट को पढ़ पा रहे हैं। अगर आप खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दूसरा कोई भी यूज़र कैसे पढ़ पाएगा। अब आप नीचे आइए, देखिए यहाँ पर ये महिंद्रा का एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि 2-3 कंटेंट यहाँ लिखे गए हैं और यहाँ पर गाड़ी को दिखाया गया है। आसानी से आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो इसके बटन पर क्लिक करेंगे, आप उसके वेबसाइट पर चले जाएंगे। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं लैंडिंग पेजेस और बहुत सारी चीजों को डिस्कस करूंगा कि जब यहां पर क्लिक करते हैं तो हम लोग कौन से जगह पे जाते हैं, उस कंपनी के कौन से पेज पर जाते हैं, उन सभी चीजों को डिस्कस करूंगा और उन पेज की डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए उन सभी को भी डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी ग्राफिक डिजाइनिंग को हम लोग देख रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि बैनर और इन सभी चीजों को एक साथ पहले देख लें, उसके बाद आगे की बात करेंगे हम लोग। तो अब चलते हैं हम लोग अपने फोटोशॉप पे और यहां पर देखते हैं कि यहां पर हमने ये ग्रीन कलर क्यों कर रखा है, यहां पे इसके पीछे क्या रीज़न है। रीज़न ये है कि ये एक साइज़ मैंने आप सभी के लिए डिज़ाइन करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, ये एक कंपनी है डिजिटल यू, इसकी डिज़ाइनिंग मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और इस कंपनी के जो भी डिस्प्ले एड्स हैं वो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो इसको हमने एक डिज़ाइन करने की कोशिश ये किया है। इस कंपनी ने मुझे सिर्फ ये कंटेंट दिया था, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये कंटेंट दिया था और ये लोगो उसके वेबसाइट से मैंने निकाला है और उसके बाद ये फाइल हमने एक डिज़ाइन किया। यहाँ पर गेट स्टार्टेड का एक बटन लगाया, यहाँ पर एक इमेज लगाने की कोशिश की है वैसे जो डिजिटल मार्केटिंग को शो करता हो। डिजिटल मार्केटिंग कैसे हो सकती है विदाउट सिस्टम, विदाउट लैपटॉप, विदाउट कंप्यूटर तो नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर आपको दिखाना होता है कि आप किस चीज़ की मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैंने इस तरह का एक इमेज निकाला है, लाइट इमेज है, छोटी इमेज है। यहाँ पर लोगों को हमने इस तरह से यूज़ करने की कोशिश किया है। सिंगल फ्लैट कलर को रखा है, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेडियंट वगैरह को आप यूज़ नहीं करेंगे। उसको यूज़ करने के बाद फाइल साइज हेवी होती है तो ग्रेडियंट से भी बचना होगा, फ्लैट कलर को यूज़ करना होगा। और यहाँ पर आपको इतना कम स्पेस मिलता है कि उसी में डिज़ाइनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट भी दिखना चाहिए और गूगल के रूल को भी फॉलो करना चाहिए। तो ये डिज़ाइन हमने इसलिए आप सभी के लिए डिज़ाइन करके पहले से रखा हुआ था कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। अब चलते हैं यहाँ पर फिर से और बात करते हैं इन सभी साइज की, कि इन सभी साइज में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी साइज होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव साइज़ होगी वो छोटी वाली जो साइज़ होती वो इफेक्टिव होती, या जो स्क्वायर में ज़्यादातर दिखने वाली जो साइज़ होती वो इफेक्टिव होती है। जैसे यहाँ पर ऊपर में 250x250 है या 200x200 है, ये स्क्वायर में है तो ये जो साइज़ होती काफ़ी इफेक्टिव होती, या ये पतली वाली जो है ये काफ़ी इफेक्टिव होती, और यहाँ पर एक साइज़ बड़ी है वो भी काफ़ी इफेक्टिव होती है, 300x600, ये भी हाफ पेज में एडवर्टीजमेंट इसका दिखाया जाता है, ये भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। अब इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको साइज़ याद रखना है और डिज़ाइन करना है, क्योंकि कंपनी जो कहेगी वो आपको करना होगा। आप कंपनी के बिजनेस डेवलपर नहीं है, बिजनेस मैनेजर नहीं है, तो आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या वेब डिज़ाइनर हैं तो आपको डिज़ाइन के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको जो डिज़ाइन मिल रहा है उसको आप बेहतर डिज़ाइन करके दें। फ्रेंड्स, यहाँ पर गूगल के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन सभी को आपको फॉलो करना होता है, कोई
कंपनी फॉलो या करे या ना करे उससे बात की बात होती है, आप एक डिज़ाइनर हैं तो आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि आपका जो डिज़ाइन है, आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसी डिज़ाइन पे उस पूरी कंपनी जो है उसका बिजनेस डिपेंड कर रहा है। तो एक डिज़ाइनर काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो आप समझ जाएं, अपने आप को छोटा भी ना समझें, अपने आप को इस लेवल में समझें कि कंपनी, कोई भी कंपनी ऑनलाइन अगर वर्क करती है तो उसका डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब उसकी वेबसाइट अच्छी हो, उसके लैंडिंग पेजेस अच्छे हों, उसके प्रमोशन के जो बैनर बनते हैं वो अच्छे हों, वो इफ़ेक्टिव हों, तभी वो बिजनेस अच्छे से रन कर सकती है, अच्छा ग्रोथ कर सकती है। तो वो कैसे करेगी? वो तब करेगी जब आप बहुत अच्छा डिज़ाइन करके उन्हें देंगे। अब आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक एक करके डिज़ाइन करना होगा, हमें एक एक साइज़ को डिज़ाइन करना होगा। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए और उसके बाद हर डिज़ाइन को आप लोग खुद प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को एक एक डिज़ाइन का प्रैक्टिकल करना होगा, हर एक साइज़ की प्रैक्टिकल करें। और ये भी ध्यान रखें कि जो एक साइज़ आप बनाएंगे, जो डिज़ाइन आप बनाएंगे, जैसे हमने ये एक डिजाइन बनाया है इस साइज में, अब आपको अगर 300 बाई 300 की साइज बनानी है, जैसे यहां पर आपका 300 बाई 600, अगर आप ये साइज बनाना चाहते हैं तो आपको इसी डिजाइन को चेंज करना होगा। उसमें बहुत ज्यादा आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कंटेंट यही रहेंगे, लोगोज यही रहेंगे, कलर भी ज्यादातर कोशिश करें कि आप फ्लैट कलर ही यूज़ करें। अगर आप ये डिज़ाइन ऐसा कर रखे हैं तो दूसरे डिज़ाइन में आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर देंगे। इसी को, ये जो डिज़ाइन है इसी को रिप्लेस करना होगा बड़े वाले साइज़ में, यानी कोई भी साइज़ आपके पास है उन सभी साइज़ को इसी डिज़ाइन में रिप्लेस करना होगा, ये ध्यान रखें आप। तो इन साइज़ को आप याद भी कर लें, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं सचमुच में दिल से चाहते हैं तो इन साइज़ को आप याद करें। आने वाले टाइम में फिर फेसबुक एडवर्ड के बारे में बताऊंगा कि फेसबुक एडवर्ड कैसे काम करता है, उसके एड्स कैसे बनते हैं, उसका साइज़ क्या होता है, उन चीज़ों को लेकर आऊँगा। फिर पिंट्रेस्ट वगैरह पर भी एड्स होते हैं उसके बारे में बताऊँगा, ट्विटर पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सभी पे एडवर्टीजमेंट होता है, उन सभी एडवर्टीजमेंट के क्या क्या साइज़ होते हैं उन सभी को जानना ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो उन सभी को आप याद कर लें, साइज़ को, साइज़ याद रखेंगे तो वो इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये ध्यान रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ये आपके भले की बात होगी, आपके फ़ायदे की बात होगी कि जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।